वंदे हम श्री गुरु श्री युतपदकमलम श्रीगुरूर्नवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदव्यासप्रियस्वामिन्निति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरेर नाम एव केवलम् कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्याय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावनवास। लाडली श्री वृंदावनवास, श्री वृंदावनवास लाडली, श्री बरसानुवास। श्री वृंदावनवास लाडली, श्री बरसानुवास। दीजो मोहि श्री वृंदावनवास, लाडली श्री वृंदावनवास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, आज के आनंद की, श्रीमद् भगवत गीता की, श्रील गुरुदेव की, श्रील प्रभुपाद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गूगल मीट एवं फेसबुक के माध्यम से उपस्थित समस्त भक्तवृंद एवं समस्त मातृमंडली का आज 31वें दिन की कथा में सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, यही आशा करते हुए आज हम लोग जो सतत आज हम लोग 31 दिनों से श्रीमद् भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको हम लोग आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी कथा के क्रम में हम लोग आज भी उपस्थित हुए हैं और आज हम लोग 31वें दिन की कथा में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग सतत एक महीने से ऐसे विपरीत परिस्थिति में, जबकि एक तरफ कोरोना जैसी महामारी चल रही है और दूसरी तरफ हम लोगों को भगवान के द्वारा गाए गए श्लोकों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कल हम लोग श्रवण किए थे दूसरे अध्याय के 55 नंबर श्लोक तक हम लोग श्रवण कर चुके थे। आज हम लोग 56 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि अर्जुन का एक प्रश्न था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। ये अर्जुन का प्रश्न था कि समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान का कहना था कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जब वे मन की समस्त कामनाओं
का परित्याग कर देते हैं। जब वे मन की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देते हैं और निग्रह किए हुए मन को यानी वश में किए हुए मन में ही आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट होते हैं, तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। किस परिस्थिति में कोई व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाएगा, ये कल भगवान बता चुके कि अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर चुका हो और अपने स्थिर मन में ही आत्मा के द्वारा वो संतुष्ट हो, उसी व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कह सकते हैं। वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो स्थित प्रज्ञ के बारे में हम लोग कल और भी थोड़ा सा श्रवण किए थे कि जिस समय जिसके हृदय में स्थित कामनाएं दूर हो जाती हैं, उस समय मर्त भी अमृत हो जाता है और ब्रह्म का लाभ करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो भी अजर अमर हो जाता है। जब उसके हृदय में स्थित सभी कामनाएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि देखिए इस संसार में सारी लड़ाई केवल कामनाओं की है। जैसे कहते हैं ना, ये कहावत कही गई है कि अगर पेट ना होता तो किसी से भेंट ना होता। तो वैसे ही अगर हम लोगों के अंदर कामना न होती तो इस शरीर से हम लोगों का भेंट ना होता। इस शरीर से हम लोगों का भेंट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों के अंदर कामना है, और जब तक हम लोग इस कामना का परित्याग नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस शरीर से मुक्त नहीं होंगे। पुनः आना और पुनः जाना हम लोगों का लगा रहेगा। तो कल के डेट में हम लोगों ने सुना था कि मन की समस्त कामनाओं का परित्याग करने वाला व्यक्ति और स्थिर मन में आत्मा के द्वारा तुष्ट जो व्यक्ति है, वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ कहलाता है यानी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आज हम लोग 56 नंबर श्लोक को पढ़ेंगे। दुखे स्वनुद्विग्न विग्नमनाः दुखे सुविगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखे स्वनुद्विग्नमनाः दुखे सुविगतस्प्रियः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। अन्वय, दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रिह वीतराग भय क्रोधः मुनिः स्थितधी उच्यते। कह रहे हैं दुखेषु, जो तीन प्रकार के इस संसार में दुख हैं, जिन दुखों से प्रत्येक जीव लड़ रहा है, दुखेषु यानी आध्यात्मिक भौतिक आदि दैविक, ये तीन प्रकार के जो ताप उपस्थित होते हैं, ये तीन प्रकार के जो ताप हैं, अनुद्विग्न मनाह जिनका मन उद्वेग रहित रहता है, सुखेषु सुख के उपस्थित होने पर विगतस्प्रिह स्प्रिहाहीन रहता है, वीतराग भयक्रोधः मुनिः स्थितिधि उच्यते। वीतराग भयक्रोधः, राग भय क्रोध से रहित मुनिः, ऐसे मुनिः स्थितिधि स्थित प्रज्ञ उच्यते कहलाते हैं। कह रहे हैं जो आध्यात्मिक आदि, जो आध्यात्मिक आदि तीनों ताप, आध्यात्मिक आदि का मतलब है आध्यात्मिक भौतिक और दैविक, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों के उपस्थित होने पर, यानी जो इन तापों के उपस्थित होने पर, जो इन तापों के उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते,
जो ऐसी परिस्थिति उपस्थित होने पर जो व्यक्ति उससे दुखी नहीं होते, उपस्थित होने पर उद्विग्न नहीं होते, यानी उससे दुखी नहीं होते हैं, सुख प्राप्त करने पर सुख में स्पृहाहीन रहते हैं। वही पीछे का जो श्लोक बोला गया कि समभाव, यानी कि जब दुख हो तो उससे दुखी नहीं होते और सुख प्राप्त करने पर सुख से स्पृहाहीन रहते हैं, यानी सुख से वो दूरी बना करके रहते हैं, उतना उनको सुख से मतलब नहीं होता है, स्पृहाहीन रहते हैं। राग भय तथा क्रोध से रहित ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थित प्रज्ञ तो यहां पे कहा गया, स्थित प्रज्ञ किसको कह रहे हैं, और भी उसके अंदर गुण क्या होते हैं, वो तो प्रत्येक गुण को गिना रहे हैं कि ये भी गुण उसके अंदर होना चाहिए, तब वो स्थित प्रज्ञ होगा, जो तीनों तापों के आने पर उद्विग्न न हो, यानी वो दुखी न हो, वो जो तीनों ताप हैं उसको दुखी न कर पाए, तीनों ताप उसे उपस्थित होने पर जो दुखी न हो पाए, और सुख प्राप्त करने पर सुख से स्पृहाहीन रहें, मतलब उससे उनका कोई अटैचमेंट ना हो, डिटैच जो रहे उससे रहते हैं, राग भय तथा क्रोध से रहित, न तो उनका राग है, न उसके प्रति लगाव है, प्रेम जिसको कहते हैं, भय, न उसके प्रति उनको डर है, और न तो उससे उनको क्रोध है, क्रोध भी नहीं है कि कोई स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो आदमी क्रोध में आग बबूला हो जाता है, नहीं। संभाव का मतलब होता है न तो बहुत वो प्रसन्न होगा, न तो दुखी होगा, न तो क्रोध करेगा। तो राग, उसके प्रति उसका प्रेम भी नहीं होता और उसको डर भी नहीं होता, भय नहीं होता, क्रोध से रहित, जो व्यक्ति इन चीजों से रहित होता है ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। स्थित दुखेसु भूख प्यास ज्वर सिर दर्द आदि आध्यात्मिक दुख हैं। यह बताया जा रहा है कि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं, तो यहां पे कह रहे हैं कि जो भूख प्यास है, ज्वर आदि है, जो बुखार इत्यादि है, जो हमारे शरीर में दुख हो जाता है, तो भूख प्यास ज्वर सिर दर्द आदि आध्यात्मिक दुख हैं, इनको आध्यात्मिक दुख कहा जाता है। सर्प बाघ इत्यादि प्राणियों से उत्पन्न दुख भौतिक दुख है, आदि भौतिक जिसको बोलते हैं, तो जो सर्प बाघ इत्यादि से जो हमको दुख प्राप्त होता है वो आदि दैविक दुख है। अनुद्विग्न मनाह उसे कहते हैं जो इन दुखों के उपस्थित होने पर ऐसा सोचते हैं कि प्रारब्ध से प्राप्त दुखों का मुझे भोग करना ही है। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो क्या सोचता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि जो इन दुखों के उपस्थित होने पर, यानी जो ये दुख हमारे पास आए हैं, जो ये दुख हमारे पास आए हैं, ये प्रारब्ध के अनुसार ही हमें प्राप्त हुए हैं, और प्रारब्ध से प्राप्त दुखों का मुझे भोग करना ही है, ये किसी भी तरीके से कट नहीं सकता है। ये समभाव वाले जो लोग हैं उनके अंदर ऐसा भाव होता है कि जो स्थित प्रज्ञ जिसको बोला जा रहा है, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति यही सोचते हैं, वो उससे घबराते नहीं हैं। जब उनके ऊपर कोई भी दुख आता है तो वो यही सोचते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार आया है और इसको हमें भोगना चाहिए, इस समय को हमें काटना चाहिए। तो ये कह रहे हैं मुझे भोग करना ही है, मतलब करना ही है, बिना किए कोई रास्ता दूसरा नहीं है, करना ही पड़ेगा। एवं ऐसा जानकर या तो स्वयं से कुछ कहते हैं, या तो वो स्वयं अपने मन को समझाते हैं, जैसे सुबह होता है जब, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उठना चाहता है, कि जिसको सुबह सुबह उठना है, तो वो अपने मन को थोड़ा सा मनाना पड़ता है, क्योंकि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है,
तो उस समय थोड़ा सा मन को मनाना पड़ता है, अपने आप से कहना पड़ता है कि भाई कब तक सोओगे, उठना तो है, ये चलो उठ जाते हैं। तो वही कह रहे हैं ऐसा कि भोगना ही है, ऐसा जानकर या तो स्वयं से कुछ कहते हैं, मतलब अपने मन को समझाते हैं भाई कि आज दुख आया फिर कल सुख आया है, आज दुख है तो कल सुख होगा, ऐसा अपने आप को समझाते हैं, कुछ कहते हैं, अथवा दूसरे के द्वारा पूछे जाने पर स्पष्ट रूप से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ पूछे तो मन बहुत दुखी है लेकिन ऊपर से मुस्कुरा के कहते नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है इस समय तो, ठाकुर जी कृपा ऐसी ही बनी रहे बस। तो कह रहे हैं वो स्पष्टवादी होगा, स्पष्ट बोलने वाला होगा, जो स्थिर बुद्धि जिसकी है वो स्पष्टवादी होगा, परंतु दुख से उत्तेजित नहीं होते हैं, परंतु जब उनके ऊपर दुख आता है तो उससे क्रोधित नहीं होते हैं, अपना टेम्परेचर हाई नहीं करते हैं उससे कि अब दुख आ गया है तो अब मार डालेंगे, काट डालेंगे, ऐसा कर डालेंगे, वैसा कर डालेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। आया है तो जाएगा, आया है तो हमें भोग करना ही है, वो व्यक्ति ऐसा सोच करके अपने मन को मनाता है, अपने मन को मनाता है। कुछ चीजें देखिए इस संसार में ऐसी होती हैं कि जो इन किन प्रकारेण वो आपको समझौता करना ही पड़ेगा, वहां पे समझौता करना ही पड़ेगा, समझौता करने में ही आपकी भलाई है, समझौता करने में ही आपकी भलाई है। तो वो व्यक्ति दुख से भी उत्तेजित नहीं होता, वो व्यक्ति दुख से भी दुखी नहीं होता है। दुख के उपस्थित होने पर भी उनके मुख पर किसी भी प्रकार की विकृति न होने पर विज्ञगण ऐसे लक्ष्य करते हैं, ऐसा लक्ष्य करते हैं। जो कह रहे हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, दुख होने पर उनके चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं आती। जो समान स्थिति में रहने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति को देख करके कोई ये नहीं बता सकता, उसकी परिस्थितियों का ज्ञान कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हम जैसे लोग अगर तनिक भी हम लोगों के ऊपर दुख पड़ता है तो सामने वाला तुरंत पकड़ लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हम लोगों की जो इस बुद्धि है वो स्थिर बुद्धि नहीं है, स्थित प्रज्ञ नहीं है, तो विकृति नहीं होती, यानी उनके अंदर कोई विचलन नहीं होता। कोई भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति को वो सहन करने की उनके अंदर क्षमता होती है, सहन करने की क्षमता होती है, कि ऐसे किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं है। किंतु यदि कोई कपटी व्यक्ति कृत्रिम रूप से उद्वेग का लक्षण प्रकट करता है तो विज्ञगण इसे समझ जाते हैं। कहते हैं ना कभी कभी जब कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता लेकिन फिर भी वो अपने दुख को प्रकट करता है तो जो बुद्धिमान लोग हैं उसको पकड़ लेते हैं, ये व्यक्ति सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है या झूठ बोलता है, विज्ञगण इसे समझ जाते हैं और उसे भ्रष्ट कहते हैं। जो व्यक्ति अंदर से नहीं है, जो व्यक्ति बाहर से किसी चीज को प्रकट करता है उसको ज्ञानी लोग, जो बुद्धिमान लोग हैं, उसको भ्रष्ट कहते हैं कि देखो ये ऐसा कर सकता है, ये ऐसा भी कर सकता है, उसको भ्रष्ट बोलते हैं, भ्रष्ट कहते हैं। इसी प्रकार सुख के उपस्थित होने पर जो स्पृहा शून्य रहते हैं, जिनका उससे कोई अटैचमेंट नहीं होता है, जो उन परिस्थितियों से डिटैच रहते हैं, स्पृहा उसके अंदर उसके प्रति कोई लगाव जिसका नहीं है, स्पृहा शून्य रहते हैं, अर्थात यह प्रारब्ध भोग है, ऐसा जानकर वे या तो स्वागत अपने आप से या स्पष्ट बोलते हैं, या तो अपने आप से उसका स्वागत करते हैं कि चलो अच्छा है अब आया है समय तो उसको काट लेते हैं, ऐसा स्वागत करते हैं, या तो स्पष्ट बोलते हैं। विज्ञ व्यक्ति उसे भी समझ लेते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उसको भी समझ लेते हैं, किसी की परिस्थिति वास्तव में यदि बिगड़ जाए तो बुद्धिमान लोग जान लेते हैं। लेकिन यदि कोई बनावटी आकर के कुछ सहयोग मांगे या कुछ कहे तो उसको भी व्यक्ति पकड़ लेता है कि ये व्यक्ति ऊपर से है या ये व्यक्ति अंदर से है।
उन लक्षणों को स्पष्ट करते हुए कहते हैं वीतराग, अर्थात वे सुख के प्रति अनुराग शून्य होते हैं, मतलब सुख के प्रति भी उनका कोई लगाव नहीं होता, उनको कोई आनंद नहीं होता सुख के प्रति भी। वीत भय, अर्थात अपने खाने वाले बाघ आदि से भी भय रहित होते हैं। जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, यदि उसके सामने बाघ आकर के खड़ा हो जाए तो वो कहते हैं ये हमारे प्रारब्ध का ही खेल है, शायद हो सकता है कि हमारा समय इतना ही हो, वैसा वो अपने मन को समझाते हैं, इसलिए वो भयभीत नहीं होते, भयभीत नहीं होते, वो समान भाव में खड़े रहते हैं। वीत क्रोध, अपने को मारने वाले व्यक्ति पर भी क्रोध नहीं करते हैं, कहते हैं वो अपने मन से ही कि इसमें इसका कोई दोष नहीं है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, ये हमारे प्रारब्ध का ही दोष है, ये हमारे प्रारब्ध का ही दोष है। किसी पर क्रोध नहीं करते, किसी पर क्रोध नहीं करते। जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि जड़ भरत को जब ये जो चोरों का जो सरदार था बृषलराज, वो जो पुत्र प्राप्ति के लिए नर बलि देने का जो प्रण लिया था, संकल्प लिया था, वो जिसको बलि देने के लिए लाया था वो किसी तरह से भाग गया, तो जो बृषलराज के जो सैनिक थे वो सब सैनिक खोजते खोजते जड़ भरत को ही पा गए थे, खेत की रखवाली करते हुए। जब जड़ भरत को वो पा गए तो जड़ भरत को पकड़ के ले गए। जड़ भरत ने ये भी नहीं पूछा कि आप हमें कहां ले जा रहे हो, आप हमें कहां ले जा रहे हो, ये भी उन्होंने नहीं पूछा था उनसे कि आप हमें कहां ले जा रहे हो या किस लिए ले जा रहे हो, कोई प्रश्न नहीं उन्होंने किया था। ठीक है, जो हमारे प्रारब्ध में है वही होगा, जो हमारे प्रारब्ध में वही होगा, हमारे प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, कोई भी नहीं काट सकता। ऐसा वो सोच करके चले गए उनके साथ, और जब उनके साथ चले गए तो वहां ले जाकर के उनको स्नान कराया गया, खिलाया गया, जैसे बलि के पहले पूजा की जाती है उसकी, तो उनको माला फूल अर्पित किया गया, अच्छा भोजन भी खिलाया गया। अब किसी व्यक्ति को ले जाकर के पकड़ के ले जाया जाए, स्नान कराया जाए, जैसे किसी को फांसी दी जाती है तो उसको भोर में ही उठाया जाता है, फांसी देने के 2 घंटे पहले नहलाया जाता है, वो कपड़े वगैरह चेंज करता है, उसको पता है कि हमें किस लिए किया जा रहा है, तो वो इधर उधर करता है, नहाएगा नहीं नहाएगा, नाश्ता करेगा नहीं करेगा, ये सब सारी चीजें होती हैं। लेकिन वहां पे जो भरत महाराज थे, भरत महाराज ने कोई भी प्रश्न नहीं किया, कोई प्रश्न नहीं किया, क्यों? क्योंकि वो स्थिर बुद्धि वाले थे, वो स्थिर बुद्धि वाले थे, इसलिए वो कोई भी प्रश्न नहीं किए, कोई प्रश्न नहीं किए कि आप हमें क्यों नहला रहे हो, आप हमें क्यों कपड़े पहना रहे हो, आप हमारा पूजन क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं। और जब वो कुछ नहीं बोले तो उनका पूजन भी किया गया, पूजन भी किया गया। लेकिन इन सब परिस्थितियों को देख कर भी जड़ भरत के मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया था, तनिक भी क्रोध नहीं आया था, किसी भी तरीके से क्रोध नहीं आया था। वो केवल एक ही चीज कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे? केवल भगवत स्मरण कर रहे थे, वो केवल भगवत स्मरण कर रहे थे। क्योंकि किसी भी परिस्थिति में आप रहिए, सुख में रहिए दुख में रहिए, जड़ भरत के इस परिस्थिति को श्रवण करके हम लोगों को यह जानना चाहिए कि परिस्थितियां चाहे जो हो, परिस्थितियों का काम है आना और जाना, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, तो परिस्थितियों का काम है आना जाना, तो परिस्थितियां जाएंगी, लेकिन हम लोगों को भगवत स्मरण कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस परिस्थिति में आप सोचिए, जो लोग कहते हैं हम स्थिर बुद्धि वाले हो गए या कुछ हो गए, तमाम प्रकार की बातें लोग करते हैं कभी कभी,
आप सोचो किसी को फांसी दिया जा रहा बता करके अब तुम्हें एक घंटे बाद फांसी दिया जाएगा, तो आप बताओ वो व्यक्ति स्थिर रह सकता है? वो व्यक्ति भगवत स्मरण करेगा? या किसी को ले जाकर के फांसी के नीचे खड़ा कर दिया जाए तो उसको भगवत चिंतन हो सकता है? ऐसी परिस्थिति में तो वो 1,00,000 गाली भगवान को दे देगा कि हमने क्या दोष किया था, हमने तो कोई अपराध नहीं किया था, क्या दुनिया में हम ही मिले थे फांसी देने के लिए? 1,000 गाली सुना देगा भगवान को। इसीलिए तो कहते हैं भगवान कि जो हमारे भक्त हैं इस संसार में कोटि स्वपि सुदुर्लभ, कोटि स्वपि सुदुर्लभ, करोड़ों भक्तों में कोई एक भक्त ही हमारा होता है इस कैटेगरी का भक्त। ऐसे तो दुनिया भर के भक्त घूम रहे हैं, ऐसे तो भक्तों की कमी नहीं है, लेकिन भगवान का जो परम भक्त, जो स्थिर चित्त वाला है, जो स्थिर बुद्धि वाला है, ऐसे भक्त बहुत दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं। हाँ, बाकी सब लोग प्रोसेस में चल रहे हैं, प्रोसेस में चलते 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 उसी स्थिति में पहुंचेंगे, लेकिन बहुत समय लगता है। तो वो बिल्कुल भी क्रुद्ध नहीं हुए भरत महाराज, बिल्कुल क्रुद्ध नहीं हुए, क्रोध उनको आया ही नहीं, केवल वो भगवत स्मरण कर रहे थे, भगवत स्मरण कर रहे थे। और भगवत स्मरण करने के कारण आखिर वही हुआ जो भगवान के भक्तों के साथ होना चाहिए। जब बलि देने के लिए खड्ग उठाया गया, साक्षात काली उस मूर्ति को फाड़ करके उसमें से प्रकट हो गई, प्रकट होकर के खड्ग लेकर के ब्रिसल राज और उसके सारे सैनिकों को धड़ से अलग कर दिए, काट करके धड़ से अलग कर दिए। जब वो फांसी देने, जब वो बलि देने के लिए खड़े किए गए थे तब भी भगवत स्मरण कर रहे थे, और जब काली प्रकट होकर के सबका वध कर डाली और भरत महाराज स्वतंत्र हो गए, फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जैसे जिस अवस्था में पहले थे ठीक उसी अवस्था में बाद में भी थे, उसी अवस्था में बाद में थे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई परिवर्तन या कोई विचलन देखने को मिला हो, किसी प्रकार का कोई विचलन देखने को नहीं मिला। इसलिए जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, जो स्थित बुद्धि वाले होते हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी विचलन की स्थिति नहीं आती है। जिन्होंने देहात्म बुद्धि रूप दुश्छेद्य हृदय ग्रंथि का संपूर्ण रूप से छेदन कर दिया, जिन लोगों का हृदय समस्त प्राणियों के कल्याण की चिंता में निमग्न रहता है, जो किसी का अपकार नहीं करते अथवा किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते, काल के भी काल स्वरूप सुदर्शन चक्रधारी भक्त रक्षण कार्य में सदा मत्त भगवान विष्णु जिनकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं, जिन्होंने भगवान के अभय श्री चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया है, वे परम भागवत परमहंस अपना सिर छेदन काल उपस्थित होने पर भी उद्विग्न नहीं होते हैं। कहते हैं कि अपना सर कटने की अवस्था आ गई है, सर छेदन होने की परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं हुए कि स्थित प्रज्ञ लोग ऐसे ही होते हैं। जो स्थिर बुद्धि वाले लोग हैं वो ऐसे ही होते हैं, किसी प्रकार का उनके अंदर कोई भी विचलन नहीं होता है। तो इसलिए इस श्लोक का जो तात्पर्य था कि तीनों ताप आध्यात्मिक आदि जो ताप हैं, वो ताप उपस्थित होने पर भी जो उनसे उद्विग्न नहीं होते, सुख प्राप्त होने पर सुख से स्पृहाहीन रहते हैं, राग भय अथवा क्रोध
से रहित ऐसे मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। दो चीजें दो श्लोकों में स्थित प्रज्ञ को बताया गया, ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं। तो ऐसी ऐसी परिस्थिति, ऐसी ऐसी कंडीशन जिसके ऊपर लागू होती है वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अगला श्लोक, यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह जो सर्वत्र अनभिस्नेह तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यह जो सर्वत्र पुत्र मित्र आदि में अनभिस्नेह स्नेह रहित तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति, उस अनुकूल और प्रतिकूल को पाकर न प्रसन्न होते हैं, न द्वेष्टि न द्वेष करते हैं, तस्य उनकी प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। कह रहे हैं जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित होते हैं और अनुकूल की प्राप्ति से न तो प्रसन्न होते हैं और न प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उससे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है। कह रहे हैं कि जो प्रत्येक जगह से स्नेह रहित है, जिनका अटैचमेंट जिनका लगाव कहीं से भी नहीं है, फिर आप ऐसा नहीं कह सकते अरे नहीं ये हमारे बहुत खास हैं, ये हमारे बहुत क्लोज हैं, फिर ऐसा नहीं कह सकते। फिर आप ये नहीं कह सकते नहीं अरे ये तो हमारा बेटा है, अरे नहीं ये तो हमारी पत्नी है, फिर आप ऐसा नहीं कह सकते। जो व्यक्ति सर्वत्र, सर्वत्र कहने का तात्पर्य यही है कि कोई स्थान को छोड़ना नहीं है, जो व्यक्ति सर्वत्र स्नेह रहित है और अनुकूल की प्राप्ति से प्रसन्न नहीं होता है, यदि कुछ उसके अनुकूल प्राप्त हो गया तो उससे वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता, और न ही प्रतिकूल के प्राप्त होने पर, और न तो जो चाहा है उसके प्रतिकूल कुछ मिल जाए तो उससे द्वेष भी नहीं करता, उसके प्रति क्रोध भी नहीं करता कि हमें ऐसा क्यों नहीं प्राप्त हुआ, हमें ऐसा क्यों नहीं प्राप्त हुआ, द्वेष भी नहीं करता। उनकी बुद्धि कह रहे हैं स्थिर बुद्धि है। ऐसे व्यक्ति को जिसकी भी अनुकूल और प्रतिकूल का प्रभाव जिनके ऊपर नहीं पड़ता और सर्वत्र स्नेह रहित हैं, उनकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि स्थिर है, स्थिर बुद्धि कहते हैं। यहां स्नेह जो शब्द आया है उसका तात्पर्य जो उपाधि युक्त स्नेह से रहित है। उपाधि युक्त स्नेह, जो उपाधियां हमें मिलती हैं या जिन उपाधियों के द्वारा हम बुलाए जाते हैं या जो उपाधियां हमें मिली हैं, माँ पिता गुरु चाचा चाची डॉक्टर इंजीनियर, जो भी हमें उपाधि मिली है, जो उपाधि युक्त स्नेह से रहित हैं किंतु दयालु होने के कारण ऐसे व्यक्ति में थोड़ा निरुपाधिक स्नेह अवश्य ही रहता है। जहां तहां सम्मान भोजन आदि शुभ अनुकूल वस्तुओं की प्राप्ति होने पर वे न तो उनका अभिनंदन करते हैं और न ही इस प्रकार की प्रशंसा करते हैं।
कि तुम धर्मात्मा हो, परमहंस की सेवा करने वाले हो, तुम सुखी हो, पुनः अनादर पिटाई इत्यादि अशुभ प्रतिकूल वस्तुओं की प्राप्ति होने पर भी वे न तो उससे द्वेष करते हैं, उससे द्वेष भी नहीं करते हैं। प्रतिकूल मतलब अनादर पिटाई इत्यादि ये जो अशुभ हैं, और शुभ के बारे में क्या कह रहे हैं, अनुकूल के बारे में कि तुम धर्मात्मा हो, तुम परमहंस की सेवा करने वाले हो, तुम सुखी हो, ये सब जो कुछ है वो सब अनुकूल है। तो अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति होने पर वे न तो उससे राग करते हैं न द्वेष करते हैं, और न ही इस प्रकार का अभिशाप देते हैं, और वे किसी प्रकार का अभिशाप भी नहीं देते किसी को। जैसे बहुत प्राय देखा जाता है ना कि किसी से कोई अपराध होता है तो तुरंत वो श्राप देने लगते हैं कि तुम्हारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाइए, मतलब उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, और ना किसी प्रकार का वो अभिशाप देते हैं कि तुम पापी हो, तुम नरक में पतित हो जाओ। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनकी जो बुद्धि है वो प्रतिष्ठित होती है, प्रतिष्ठित होती है, स्थित स्थिर नहीं होती, प्रतिष्ठित होती है। अर्थात समाधि में स्थित होती है, इसे ही सुस्थित प्रज्ञा कहते हैं। ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है, मतलब प्रकृष्ट रूपेण स्थित होती है, प्रतिष्ठित स्थिर और प्रतिष्ठित ये दोनों चीजें एक ही हैं, क्योंकि दोनों समाधि स्थित होती हैं। जो समाधि कैटेगरी की जो स्थिति होती है वो स्थिति होती है, लेकिन स्थिर और प्रतिष्ठित यानी जो जिनके अंदर इतना चीजें आ जाती हैं कि वो किसी को श्राप तक नहीं देके देते, तो वो व्यक्ति प्रतिष्ठित होते हैं, मतलब प्रकृष्ट रूपेण स्थित होते हैं। इसे ही सुस्थित प्रज्ञा कहते हैं, यानी सु मतलब सुंदर स्थित प्रज्ञा, सुंदर बुद्धि भी आप कह सकते हैं, सुंदर स्थित बुद्धि कह सकते हैं आप कहते हैं। स्नेह दो प्रकार का होता है, स्नेह दो प्रकार का होता है, एक होता है देह से संबंधित, देह से संबंधित होता है, अर्थात सेवापाधिक स्नेह, सेवा सोपाधिक सोपाधिक जो संबंध होता है स्नेह होता है, स उपाधिक उपाधि के साथ शरीर का जो है, और एक भगवत संबंधी अर्थात निरुपाधिक स्नेह। देखिए जहां भी जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो कर्म कर ही रहे हैं, जैसे एक दिन और प्रश्न आया था कि आप कुछ ना कुछ करेंगे तो आपका तो कर्म बनेगा ही बनेगा, लेकिन जब कोई भी कार्य हम भगवान की कर भगवान के लिए करते हैं, भगवान की सेवा इत्यादि के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो निरुपाधिक होती है, वो कर्म बंधन बनाने वाले कर्म नहीं होते हैं, वो निष्काम कर्म कहे जाते हैं। इसलिए जो कुछ भी करना चाहिए वो भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान के लिए करना चाहिए, भगवान की संतुष्टि के लिए किया गया जो कार्य है वो निरुपाधिक होता है, शरीर के लिए जो किया जाता है वो उपाधिक होता है, वो उपाधि से भरा होता है। तो यहां पे दो प्रकार का स्नेह बताया जा रहा है, एक देह से संबंधित स्नेह है जो उपाधि की स्नेह होता है, और एक भगवत संबंधी स्नेह होता है जो निरुपाधि स्नेह होता है। भगवान के प्रति संबंध रखने से वहां पे स्नेह रहित संबंध माना जाता है, इसीलिए कहते हैं प्रेम करना है तो भगवान से करो, लगाव रखना है भगवान से करो, मोह करना है तो भगवान से करो, वहां पे आपकी निरुपाधिक मानी जाएगी, उनकी सेवा करने से बंधन मुक्त आप हो जाएंगे। निरुपाधिक स्नेह देहात्म बुद्धि वाले साधारण लोगों में
सोपाधि किसने देखा जाता है। देहात्म बुद्धि वाले जो लोग हैं, जिनकी बुद्धि देह में लगी हुई है, जो उनकी बुद्धि है, ऐसे साधारण लोग सोपाधिक मतलब स उपाधि की स्नेह देखा जाता है उनके अंदर, जो देहात्म बुद्धि वाले लोग हैं। देहात्म बुद्धि वाले कभी भी निरुपाधिक जो स्नेह है वो नहीं प्राप्त कर पाते, निरुपाधिक स्नेह उनके बस का नहीं है। तो इसलिए देहात्म बुद्धि से हम लोगों को उठना पड़ेगा, देहात्म बुद्धि से हम लोगों को ऊपर उठना पड़ेगा, तब आप निरुपाधिक स्नेह में स्थित हो पाएंगे। देखा जा सकता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति देहात्म बुद्धि से रहित होने के कारण, देखिए स्थित प्रज्ञ जो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति है वो देहात्म बुद्धि से रहित होने के कारण, यानी उसके अंदर देहात्म बुद्धि नहीं है, देह के प्रति उसकी बुद्धि नहीं है, होने के कारण सोपाधि की स्नेह से रहित होता है, यानी वो शारीरिक उपाधि से रहित होता है, किंतु प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखने के कारण वे निरुपाधि की स्नेह युक्त होते हैं। क्योंकि यदि उनके अंदर जो भाव है वो भाव कैसा होना चाहिए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना होनी चाहिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वो यदि कार्य कर रहा है तो कह रहे हैं वहां पे वो निरुपाधि की स्नेह युक्त हो जाते हैं, हो जाते हैं। किंतु उनके इस स्नेह का परिचय यदा कदा किसी विशेष समय पर पाया जाता है, कह रहे हैं कि ये सब चीजें हमेशा नहीं पाई जाती हैं, वो कभी कदा देखने को मिल जाया करती है, कभी कभी देखने को प्राप्त होता है। वास्तव में उनके हृदय में ऐसे स्नेह की धारा सर्वदा ही प्रवाहित होती रहती है। वास्तव में दिखता तो कभी कभी है, लेकिन ऐसे जो परोपकार का भाव जिसके अंदर होता है वो दिखता तो कभी कभी है, लेकिन वास्तविक में उनके अंदर ऐसे स्नेह की धारा, प्रेम की धारा सर्वदा प्रवाहित होने लगती है। जैसा ही समय आता है वो वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है, समय समय पर दिखाई पड़ता, वो हमेशा नहीं दिखाई देता, वो हमेशा नहीं दिखाई देता, सर्वदा ही प्रवाहित होती रहती है, जो साधारण लोगों के लिए दुर्लक्ष होती है। साधारण लोगों के लिए ये दुर्लक्ष होती है, ना तो वो देख पाते हैं और ना तो वो समझ पाते हैं, ना तो वो लक्ष्य कर पाते हैं, लक्ष्य भी नहीं कर पाते हैं। तो ये थे जो स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, वो बुद्धि स्थिर उन्हीं की होती है, किसकी, जो सर्वत्र स्नेह रहित हैं, जो अनुकूल और प्रतिकूल पाने पर भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, न तो उससे राग करते हैं न उससे द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर है, उनकी बुद्धि स्थिर है। ऐसे हम अपने मन से कहेंगे कि हमारी बुद्धि स्थिर है तो बिल्कुल कोई भी नहीं मानेगा, जो शास्त्रों को जानता है वो तो नहीं ही मानेगा, अब जो कुछ नहीं जानता है तो वो तो भाई कहेगा ही कि नहीं बहुत उच्च कोटि का आदमी है, वो तो कहेगा ही कि नहीं ये तो आदमी बहुत उच्च कोटि का आदमी है, बहुत उच्च कोटि का आदमी है। लेकिन उच्च कोटि का होने के लिए उसके अंदर गुण कैसा होना चाहिए वो तो उसको पता ही नहीं है कि उसके अंदर गुण कैसा होना चाहिए, वो तो बस उसकी बातों को सुन रहा है, बस उनकी बातों को सुनकर के ही लोटपोट हो गया, वाह ये तो कमाल का है भाई, बहुत ज्ञानी है, बहुत बुद्धिमान है। उतने से ही हम उसकी बुद्धि की परीक्षा कर लेते हैं कि बहुत बुद्धिमान है। तो बुद्धि जो बोलने की चतुरता है इसको बुद्धिमान नहीं बोला जाता, इसको चापलूसी बोला जाता है। बोलने की चतुरता सीख लिए, बस बोलना हम अच्छा अच्छा सीख लिए तो उससे कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके गुण भी होने चाहिए, उसके गुण भी होने चाहिए। अगला श्लोक 58 नंबर। यदा संहर्ते चायं कुर्मोंगानि व सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कुर्मोंगानि व सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वय यदा च
अयम कुर्मोंगानिव इंद्रियाणि सर्वसह इंद्रियार्थेभ्यः संहर्ते तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं यदा च जब अयम यह मुनि कुर्मोंगा नीव यानी कछुए के अंगों के सदृश कछुए के अंगों के समान इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को सर्वसह सर्वतो भावेन इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रिय ग्राह्य विषयों से संहरते खींच लेते हैं तदा तब तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। कह रहे हैं कछुआ जिस प्रकार अपने अंगों को इच्छा अनुसार अपने कवच के अंदर कर लेता है उसी प्रकार जब ये मुनि भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय ग्राह्य विषयों से खींच लेते हैं तब वे स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वा मपीमाम क्या है श्लोक देखिए ध्यान से उतर गया। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीर सर्वामपीमाम पृथ्वीम स शिष्येत। बोले जिनकी इंद्रियां वाचो वेगम बोलने का जो वेग है वाचो वेगम मन का वेग क्रोध का वेग वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा का जो वेग है उदरोपस्थ वेगम उदर का वेग और उपस्थ जननेन्द्रिय का जो वेग है इन छह इंद्रियों को जो दमन कर लिया जो अपने वश में कर लिया वही पूरे पृथ्वी पर शिष्य बनाने का अधिकारी है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल फुल कंट्रोल कर लिया है वो व्यक्ति यहां कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ है। यानी जिस प्रकार से कछुआ जो लोग कछुआ को देखे हैं वो लोग जानते हैं कि कछुआ अपना हाथ पैर निकाल करके चलता रहता है और जब तनिक भी कि कोई चीज महसूस होता है खटखट जैसे ही होता है वैसे वो सब कुछ खींच लेता है एकदम गोल मटोल बन जाता है आप उलटिए पलटिए फेंक दीजिए कोई फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता बस वो अपनी इंद्रियों को खींच लेता है। तो जो कछुआ है कछुए की तरह जो व्यक्ति हो जाता है कि वो अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है यानी इंद्रियों के जो ग्राह्य विषय हैं उन विषयों से अपनी इंद्रियों को जो खींच लिया है। अब ऐसा नहीं है कि मन कर दिया कि नहीं आज तो हम ये खाएंगे तो अब जब तक नहीं मिलेगा तब तक बेचैन रहेंगे कान हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं कि हमें कुछ दूसरा ही सुनना है कानों से जिह्वा कहीं दूसरे तरफ ही मटर पनीर गोलगप्पे की तरफ भाग रही है हमारी आंखें कहीं और भाग रही हैं हमारे उपस्थ जो है वो कहीं और भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी इंद्रियां हैं इंद्रियों के जो विषय हैं उन विषयों के पीछे पीछे यदि इंद्रियां भाग रही हैं तो वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ नहीं है स्थित प्रज्ञ वो व्यक्ति है जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया है यानी वो उस पर फुल्ली कंट्रोल कर लिया है वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा नहीं है कि इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे आगे चल करके ये क्या हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नहीं ये हम कंट्रोल कर लेंगे जो लोग ऐसा बोलते हैं वो फुल्ली झूठ बोलते हैं।
फुली झूठ बोलते हैं। इंद्रियां यदि कंट्रोल नहीं होंगी तो वो मन को भगाने वाला कौन है? मन को तो भगाने वाला, रास्ता दिखाने वाली ये इंद्रियां ही हैं। ये इंद्रियां ही मन को रास्ता दिखाती हैं। इंद्रियों के पीछे पीछे हम भागते हैं और उसी में हम सबका पतन होता है, उसी में हम सबका पतन होता है। इसलिए मुनि भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय ग्राह्य विषयों से खींच लेते हैं, तब ये स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। जब तक वो अपनी इंद्रियों को उन विषयों से अलग नहीं किए हैं, उन विषयों से नहीं हटाए हैं, तब तक वो स्थित प्रज्ञ नहीं कहे जाएंगे। अर्जुन ने प्रश्न किया था किमासीत, पीछे आप प्रश्न में देखेंगे तो प्रश्न में यह भी था कि वो लोग किस प्रकार बैठते हैं, यह भी उसमें प्रश्न था। किमासीत अर्थात किस प्रकार बैठते हैं, इसके उत्तर में श्री कृष्ण यदा इत्यादि कह रहे हैं, इंद्रियार्थेभ्यः, जिस प्रकार शब्द आदि विषयों से कान इत्यादि इंद्रियां अपने को अलग कर लेती हैं। शब्द आदि विषयों से कान इत्यादि इंद्रियां अपने को अलग कर लेती हैं, स्वाधीन इंद्रियों को बाह्य विषय समूहों से निग्रह कर निश्चल रूप में अपने अंतःकरण में स्थापित कर लेना ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का आसन है। मतलब जो वहां पे पूछे थे कि वो किस प्रकार बैठते हैं, तो वो अपनी समस्त इंद्रियों को, जो इंद्रियों के विषय हैं, उन विषयों से हटा करके वो अपने अंतःकरण में स्थापित करके वो बैठते हैं, स्थापित करके बैठते हैं। उनकी इंद्रियां उनको भगाती नहीं। इसीलिए तो जो व्यक्ति जब बैठता है, कभी जो योगी लोग होते हैं जब योग में बैठते हैं, छः छः महीना, एक एक साल, दो दो साल तक योग में ही बैठे रहते हैं। अब हम लोगों की जैसी इंद्रियां हैं, चंचल इंद्रियां, चंचल मन, तो ये तो अभी 10 मिनट नहीं बैठने देगा, तुरंत जाएगा लोई बाजार बाके बिहारी से घूम करके आएगा, तुरंत तुरंत 10 मिनट में घूम करके आ जाएगा। इस पर तो बिल्कुल कंट्रोल है ही नहीं है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं। तो हमें भगाने वाला कौन है? ये मन है, ये हमारी इंद्रियां हैं। इसलिए इंद्रियों को हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। यदि इंद्रियों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये इंद्रियों के हम लोग दास बने सदैव घूमते रहेंगे। इंद्रियों का दास बन करके हम लोगों को नहीं घूमना है कभी भी। ऐसा नहीं कि जो इंद्रियां चाहती हैं हम वो करेंगे, नहीं। अगर इंद्रियों के पीछे यदि आप चलना शुरू कर देंगे तो ये इंद्रियां आपको ले जाकर के एक खंती में झोंक देगी, एक खाई में गिरा देगी ले जाकर के। ये इंद्रियां बहुत खतरनाक हैं। इंद्रियों का मतलब यही है कि जैसे जो कंस था वो तमाम प्रकार के राक्षसों को भेजा था गोकुल में, जहां पे कृष्ण विराजमान थे, लेकिन कृष्ण ने सारे राक्षसों का संहार कर दिया। वैसे ही जब हम अपने गोकुल यानी अपने हृदय में जब हम गोविंद का निवास कर देंगे, आसन दे देंगे, जब वहां गोविंद विराजमान हो जाएंगे, तो ये जो इंद्रियां हैं, असुर रूपी जो इंद्रियां हैं, जो हमें अपना दास बना करके घुमा रही हैं, ऐसे इंद्रियों का दमन करने वाले भगवान कृष्ण इनका दमन कर देते हैं, दमन कर देते हैं। इन इंद्रियों का जब भगवान दमन कर देते हैं तो ये इंद्रियां भगवान की सेवा में संलग्न हो जाती है। कालियानाग अपने आप को समर्पित नहीं किया था, बिल्कुल समर्पित नहीं किया था। कब समर्पित किया? जब भगवान उसके फन पर कूद कूद कर नाचे, ताता थैया करके कुचल दिए, जब मार करके, तब वो अपने आप को सरेंडर किया। जब कालियानाग का दमन किए भगवान, तब कालियानाग सरेंडर हो गया कि प्रभु बस अब इससे ज्यादा नहीं, बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तो उसी तरीके से जब गोविंद इस हृदय रूपी आसन पर विराजमान हो जाएंगे तो ये जो असुर रूपी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का भगवान दमन करेंगे तो इंद्रियां उन विषयों को छोड़ करके गोविंद की सेवा में लग जाएंगी, तभी गोविंद की सेवा में लगेंगी। इसके पहले ये लगने वाली नहीं है। इसलिए अपने हृदय
के आसन पर केवल गोविंद को ही विराजमान करना चाहिए, केवल गोविंद को ही बैठाना चाहिए, केवल गोविंद को बैठाना चाहिए, गोविंद के अलावा किसी को भी नहीं बैठाना चाहिए, किसी को नहीं बैठाना चाहिए। इसलिए केवल एकमात्र भगवान को ही विराजमान करना चाहिए। इसके लिए कछुए का दृष्टांत देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार कछुआ अपने आंख मुंह इत्यादि को स्वेच्छापूर्वक अपने कवच के अंदर कर लेता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी उसी प्रकार अपनी इंद्रियों को खींच लेते हैं, उसी प्रकार वो अपनी इंद्रियों को खींच लेते हैं, यानी इंद्रियों पर फुल्ली कंट्रोल कर लेते हैं, फुल्ली कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए जब कोई भी मुनि जब इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो अपनी पूरी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है, फुल्ली कंट्रोल कर लेता है, तो वो व्यक्ति जो है वो स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं, स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। तो ये आज तीन श्लोक हुए और तीनों श्लोक में स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ के बारे में ही बताया गया, स्थित प्रज्ञ के लक्षण के बारे में बताया गया। तो आज की कथा जो है वो इतनी ही, 58 नंबर श्लोक तक आज हम लोग श्रवण किए। बाकी अब हम लोग कल ठीक 11 बजे हम लोग इस क्लास में फिर पुनः उपस्थित होंगे अगली क्लास के लिए, और आप लोग समय से आया करिए, क्योंकि पीछे का यदि आपका छूट जाएगा तो जो आगे के श्लोक आते हैं वो थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप लोग ठीक समय से उपस्थित हो जाया करिए। तो आज की कथा बस इतना ही, कल फिर हम लोग इसी क्रम में फिर ठीक 11 बजे इस गीता की क्लास में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।